गाइस वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज 12th का पेपर है 10:30 बजे, ठीक है। तो बच्चे बहुत अच्छे खुशी में है, टेंशन में है, सब कुछ है। तो बच्चों एक मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है सबके लिए, ऑल द बेस्ट सबसे पहले। और पेपर को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना बेटा, अच्छे से फॉर्मूले आपको याद रखना है। फॉर्मूले अगर अच्छे से याद रखे तो आपको MCQ अच्छे से कवर होंगे। तो आपके पास मेरे ख्याल से 1-2 घंटे टाइम है, थोड़ा बहुत अच्छे से फॉर्मूले पे अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। और दूसरी बात आती है पेपर कैसा, कि पेपर अच्छे से टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वहाँ पर कन्फ्यूजन करते कि बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि वो डरना नहीं। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, 1 से 2 बार क्वेश्चन ऐसे अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको अच्छे से देखना है। क्योंकि हर क्वेश्चन को आपको क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन मतलब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, उस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना। और दूसरी बात आती है क्वेश्चन कैसे, 3D के क्वेश्चंस ले लो या इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ले लो, वो फॉर्मूले वगैरह थोड़ा कन्फ्यूज करते हैं। इसलिए आप अच्छे से क्या करना है, उस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है और कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है, ओके। और दूसरी बात, कुछ बच्चे प्लस माइनस में बहुत मिस्टेक करते, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते और लास्ट में 2-3 की जगह +1 लिखते, वैसे मिस्टेक नहीं करना चाहिए। वो क्वेश्चन थोड़ा वैसे वाले टाइप वाले, थोड़ा प्लस माइनस वाले क्वेश्चन अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। और बाकी दूसरी बात आती है बेटा, पेपर को अच्छे से लिखना है, हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छे से मेंटेन करना है, और क्वेश्चन सेक्शन, एक सेक्शन कंप्लीट होती है, एक सेक्शन के बाद ही दूसरा सेक्शन चालू करना है, क्योंकि उस सेक्शन में अपन दूसरा सेक्शन डालना नहीं है, ठीक है। और उस सेक्शन को कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा सेक्शन करना, और जो आपको अच्छे से आता है वो सेक्शन को पहले कंप्लीट करो, ठीक है। और सबसे पहली बात, अगर MCQ के क्वेश्चंस अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि उसको अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो अच्छा, कॉन्फिडेंसली डायरेक्टली टिक मत करो, उसको अच्छे से सॉल्व करो और टिक करो, ठीक है ना। कुछ क्या होता है, मतलब कुछ बच्चे अगर आंसर यही है बोल के टिक करते, बट कई बार प्लस माइनस में प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते, इसलिए आप क्या करो उसको अच्छे से ध्यान दो, ठीक है ना। अगर अच्छे से ध्यान देके सॉल्व करेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा इस चीज। और टोटली पेपर 100% पेपर सॉल्व करना है, और खाली कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, अच्छे से सॉल्व करके देना है। और दूसरी बात, सेक्शन वाइज अच्छे से लिखना है, हैंड राइटिंग फॉर्मूला अच्छे से लिख के उसको पेंसिल से बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने से आपको क्या होता है, फॉर्मूला अट्रैक्ट होता है, और हैंड राइटिंग नीटली मेंटेन करना है, ठीक है। और कैलकुलेशन जो भी आप करोगे वो उस क्वेश्चन के साइड में करना है, कैलकुलेशन बैक पेज में नहीं करना। बैक पेज में करोगे तो आपका कैलकुलेशन सामने आपको कन्फ्यूज होगा कि आंसर पीछे से आगे, जब तक पॉइंट में आंसर कन्फ्यूज होगा, उसलिए कैलकुलेशन जो भी रहता है आपको साइड में करना है, क्वेश्चन के बाजू में छोटा सा ये करके लाइन मार के पेंसिल का उसके साथ कर लो, और लास्ट में अगर पेंसिल का इरेज भी कर सकते हैं आप, तो कैलकुलेशन जो भी रहेगा आप उसको साइड में करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट एवरीबॉडी, अच्छा लिखना है पेपर, टेंशन नहीं लेना। पेपर में कई बार क्वेश्चन देखते टेंशन आ जाता है और ऐसा लगता है कि सब भूल गए जैसा, वैसा टेंशन नहीं लेना, थोड़ी देर वेट करना और क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हो तो आपको बहुत इजी जाएगा। क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ो, टेंशन मत लो। अगर क्वेश्चन देखते क्या होता है, बहुत बच्चे टेंशन लेते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना, आराम से ध्यान देना। अगर आराम से ध्यान देते हो तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू।